तो हे गाइस व्हाट्स अप, सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, वी आर बैक विद अ न्यू व्लॉग। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैं जैगुआर के सनरूफ के ऊपर खड़ा हूँ। अब मैं जैगुआर एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ये है जैगुआर एक्ससी। तो मैं आपका भी इसको इंटीरियर और जितना भी जो भी है इसका सिस्टम मैं आपको बताऊंगा, क्या फीचर से क्या नहीं है इसमें। और मेरे साथ है जयेश भाई। जयेश भाई करो, मेरे साथ है जयेश भाई, आप वही रुक जाओ, थोड़ा आगे मत जाओ। तो ये मेरे कजिन भाई है जयेश भाई, ये जैगुआर है। मैं खास करके एक्सप्लोर और फीचर करने के लिए मंगाया था। तो जैगुआर जयेश भाई कैसा लगा आपको ये? थोड़ा तेज बोलो। कंफर्ट है गाड़ी, अच्छी गाड़ी, कंफर्ट गाड़ी है। और मेरे साथ भाई के एक बेस्ट फ्रेंड है बचपन के, आसिफ भाई। और सब अब मैं आपको इसका पूरा रूम शॉट वगैरह, और इसमें ये फोर सीटर, ये फाइव सीटर कार है। तो ये जैगुआर ये अभी रिसेंटली भाई ली है। ये भाई को पड़ी है 25,70,000, मे बी इट्स 26। और अगर आप लोन वगैरह पे लोगे तो फिर वो 30+ होगी, 30+ होगी। तो ये भाई कैश पे लिए, पैसा है अपने पास, गम काहे का। आप थोड़ा इधर आ जाओ। तो गाइस अभी हम लोग हैं उपरवाला में। अब मैं पूरा प्रॉपर सीट ले रहा हूँ, इसका रूम शॉट वगैरह लेके रख लिया हूँ। आपको एक एक फीचर दिखाऊंगा, दो मिनट भाई, एक एक फीचर दिखाऊंगा इसमें। और आपको मेरी वॉइस आ रही है नहीं आ रही है, आई डोंट नो। वॉइस नहीं आएगी तो मैं आपको जो भी फीचर है उसमें मैं वॉइस ओवर कर दूंगा, उसमें प्रॉपर वॉइस मेरी कैच होगी। और यहाँ पर चलो और देखते हैं, बहुत लोग देख रहे हैं। सो हेलो गाइस, हम लोग जैगुआर में बैठे हैं। ये जयेश भाई है, बहुत जाने माने हस्ती है, मुमरा के बहुत बड़े बिल्डर हैं। जैसी अगर इंसान के चेहरे पे ग्लो पड़े, समझ जाना धूप आ रही है, उसी से इंसान खिलखिला जाता है। सो गाइस, हम लोग को कोई लोकेशन नहीं मिल रही है। अभी हम लोग एक जगह गए थे तो उन लोग ने अलाउ नहीं किया, हम लोग को परमिशन नहीं दिया। बोले परमिशन लेटर लाए, हम लोग बोले नहीं लाए, तो आप लोग को अलाउ नहीं है। क्योंकि जयेश भाई आए तो कैसा है, बड़ी गाड़ी है ना, थोड़ा जैगुआर है। यू नो जैगुआर, मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ पता है, जैगुआर है इसके लिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं कोई दूसरे लोकेशन पे। और मेरे साथ है मेरा मेरी कैमरामैन, सॉरी मेरी सबा, और जयेश भाई ये मुमरा से आए हैं, मुमरा से आए हैं, बहुत दूर से आए, काफ़ी दूर से आए मेरे लिए। ये शायरी हो गई। तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं। अभी तो हम लोग लोखंडवाला में हैं, लवेल लाते पे है, जहाँ सारे सेलिब्रिटीज ही रहते हैं। तो वैसे ही हम लोग भी सेलिब्रिटी ही हैं, लोखंडवाला में हम लोग घूमते तो मतलब हम लोग सेलिब्रिटी है, क्योंकि हम लोग जैगुआर में घूम रहे हैं। तो अभी मैं आपको बैग से थोड़ा शूट दिखाता हूँ। और ये देखो, ये जैगुआर है, ये इंटीरियर है, ये आप देख सकते हो। सीधा चलना है भाई, हमें उड़ना है यहाँ से। ये सभा है, और ये मैं सभा को अभी बुके दिया विद थम्स अप। भाई मैं बुके दिया कि नहीं दिया? ऑर्चिड्स भी है, देखिए, और वाइट रोज भी है, देखे, सबूत है मेरे पास, गवाह है। और यहाँ पर हम आईफिल टावर पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं हमारा आईफिल टावर। हाँ, और अभी हम लोग बस अबू धाबी में एंट्री कर चुके हैं, थोड़ा आगे जा रहे हैं लोग, थोड़ा हम लोग किसी को ले रहे हैं। बस हम लोग जो है ये सैन फ्रांसिस्को का सीलिंग अभी क्रॉस कर चुके हैं। तो आपको मैं ऑल ओवर दी मुंबई का टूर बताता हूँ। ये जैगुआर का इंटीरियर है, देख सकते हो, ये देखो, ये रुकता नहीं है भाई, ये उड़ते ही रहता है, ये रुक गया रुक गया, नहीं रुका भाई, नहीं रुका, नहीं रुका। आप गाड़ी पे ध्यान दीजिए, तक लोकेशन नहीं मिला है और एक घंटा हो गया। जयेश भाई को मैं बोला तो सुबह में आने, तो जयेश भाई आए हैं 3 PM, मतलब दोपहर में 3 बजे। जैसा कि आप लोग को पता है हम हिंदी में बात करते हैं, तो 3 बजे, मात्र 3 बजे जयेश भाई आए हैं। इनका नाम है एजाज शेख खान फारूकी, एजाज खान। अब हम लोग लोकेशन ही ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो टाइम हुआ है 5:36, मतलब 5:30 हो चुके हैं। हमारा व्लॉग ऐसे ही चल रहा है कुछ, अभी मैं आपको दिखा नहीं पाया हूँ प्रॉपर। अभी मैं सनरूफ से बाहर से इंट्रो दूंगा, तुम टेंशन मत। सो गाइस, ये जैगुआर एक्ससी है जिसका प्राइस है 44.98 लाख टू 48.50 लाख। आप इसके मार्जिन में ये बाय कर सकते हो।
इस जगुआर एक्सी का जो इंजन है वो डीजल भी ऑफर में है और पेट्रोल भी ऑफर में है। सपोज इफ आपको डीजल चॉइस करना है तो आप डीजल चॉइस कर सकते हो, इफ आपको पेट्रोल चॉइस करना है तो आप पेट्रोल चॉइस कर सकते हो। इस डीजल इंजन की सीसी है 1999 और पेट्रोल इंजन की सीसी है 1997। और इस जगुआर एक्सी में जो ट्रांसमिशन है वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अवेलेबल है। और इस जगुआर एक्सी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 125 mm की है। गाइस इस जगुआर एक्सी का जो सीटिंग कैपेसिटी है वो है 5 लोगों के लिए, मतलब इसमें एक ड्राइवर और 4 पैसेंजर बैठ सकते हैं। इसका ट्रांसमिशन टाइप ऑटोमेटिक है। गाइस इस जगुआर एक्सी का बूट स्पेस लीटर वो है 343 का। और गाइस इस जगुआर एक्सी में जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है वो है 61.7 लीटर की। अब वो आपके ऊपर प्रिफरेबल है कि आप डीजल प्रीफर कर रहे हो या पेट्रोल प्रीफर कर रहे हो। और सबसे अच्छी गाइस इसकी जो पावर स्टेयरिंग जो दी गई है ना वो बहुत ही कम्फर्ट है, मतलब वो ड्राइवर के लिए ना बहुत ही कम्फर्ट रहेगा। और इसमें पावर विंडो भी दिया गया है। और गाइस इस जगुआर एक्सी का जो न्यू फ्यूचर आया है ना वो है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, उसके साथ में आपका कंफर्ट जोन फिर मेन आता है। तो कंफर्ट जोन में इसमें दिया गया है ड्राइवर एयरबैग, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज ड्राइवर के हाथ में स्टेयरिंग होती है। अगर वो इफ सो गया या कुछ हो गया, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो एयरबैग सबसे पहले ड्राइवर का खुलेगा। इसके साथ ही साथ में आपको दिया गया है पैसेंजर एयरबैग, जो कि आपकी पूरी चारों साइड का जो डोर है उसमें से आपका एयरबैग खुलेगा आपकी सेफ्टी के लिए, ताकि आपको ज्यादा हार्म ना हो। सो गाइस इसमें एक और चीज जो लोग अपग्रेड किए हैं वो है एयर कंडीशनर। बार बार सीरन दे रही है, अब मैं क्या करूं पता नहीं। और आप लोग पूछते हो ना वीडियोज ही तो बनाते हैं, मेहनत देखो, पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ, क्यों सिर्फ आप लोग के लिए। और ये साइलेंट क्यों नहीं हो रही है मेरा समझ में नहीं आ रहा है। कभी रुको, पहले इसको साइलेंट कराते हैं, इसको चुप कराते हैं, फिर आगे आगे वीडियो जो भी है मैं आपको दिखाते रहूँगा। तो चलो चलते और देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर अब मैं आधा व्लॉग शूट कर चुका हूँ, अब आधा जाएंगे, पहले कुछ खाएंगे, फैज भाई लोग को भी कुछ खिलाएंगे, आसिफ भाई भी भूखे हो गए हैं। मेरी हालत देखे, आप लोग बोलते हो ना क्या करते हो सिर्फ वीडियो तो बनाते हो, अरे पसीना फेंक देते हैं भाई वीडियो बनाने में, वीडियो एडिटिंग करने में सर दुख जाता है, पूरी रात रात निकल जाती है। वो अंकल से पूछो कितनी मेहनत की, अंकल बताओ जरा, आप अंकल को दिखाओ जरा, बहुत मेहनत किया, बहुत किया। देखो अंकल कब से कैमरा चलाने का भी फाउल नहीं है, ठीक है सुने के लिए अपने कानों पे, लोकेशन ढूंढना पड़ता है। आसिफ भाई बेचारे खड़े, एजाज भाई मेरे लिए पागल कर रहे हैं, लोगों को बुलाना पड़ता है कि भाई मेरा ब्लॉग बनाना है, भाई मेरा ब्लॉग बनाना है। इतना इजीली हर चीज नहीं होता है गाइस, बहुत मेहनत करना पड़ता है यार। घर पे बैठे बैठे लोग रील स्क्रॉल करके बोल देते हैं क्या कर रहा है लड़का, वीडियो तो ही बना रहा है, एक दिन बना के दिखाओ ना चैलेंज। चलो सो गाइस मेरी हालत आप लोग देख ही सकते हो, ये अंकल थे मेरे साथ, अंकल आप देखे ना कितनी मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत, बहुत मेहनत। यहाँ के ये सिक्योरिटी गार्ड है, मतलब यहाँ पर अच्छे से, हाँ गार्ड है। तो हम लोग बस वीडियो बनाने आए थे तो अंकल खड़े थे, हम लोग की मेहनत देख रहे थे। अंकल आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ना, जब ऐसे लोग हम लोग को सपोर्ट करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है यार। हाँ, बहुत दिल से अच्छा लगता है। देखो मेरी टी शर्ट वगैरह यहाँ वहाँ हो गई है, तो अब आगे चलते और देखते हैं गाइस। चलो अंकल बाय, चलो चलो। अब्दू गया, बुरगिर गया भाई, बुरगिर मेरे को देखने गया, बुरगिर को पीछे गया भाई, तो अब्दू गया, गया बुरगिर गया, तो मतलब नहीं है फिर, घुमा लो गाड़ी भाई, मेरे को लगा अब्दू गया। ये इन लोग ऐसे लोग अफवाह फैलाते हैं, अब मेरे को अब्दू से मिलने का है गाइस। तो हम लोग बुरगिर पे ही है भाई, बुरगिर पे कुछ खाओगे क्या? नहीं यार, तो चलो यार कसम से अब्दू बोले तो हम लोग जयेश भाई को बहुत परेशान कर दिया। जयेश भाई नहीं भाई परेशान भाई, तुम्हारा क्या एंगल आ रहा है भाई? हासिफ भाई, सॉरी क्या नाम है भाई? हासिक भाई और जयेश भाई को देखो। सो अभी जयेश भाई कॉल आ चुका है, हम लोग को लगा कि अब्दू है, लेकिन वो बुर्गर उसके वो था बर्गर किंग, आई डोंट नो रेस्टोरेंट है जो भी वो अब्दू खोला है। अब मेरे को क्या पता, मेरे को तब बोली बुर्गर, फिर बोला बुर्गर। तो अब हम लोग बस पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट सनकिस्ट, काय कर दो सनकिस्ट, देख रहे हो ठीक है। नहीं गाइस बहुत मतलब ऑटोमोबाइल्स की मैं जब शूट कर रहा हूं ना, ऑटोमोबाइल्स में मेरे को ज्यादा मेहनत लग जाती है, डेली लाइफस्टाइल पे इतना नहीं होता है बट ऑटोमोबाइल्स को होता ही है। तो ये जगुआर भाई लिए साहब बस लेगा रिसेंटली,
तो इसके लिए अभी मैं बोला था इसको भी फीचर कर ही देते, धीरे धीरे और चीज फीचर करना ही है अब इंशाल्लाह सुन, BMW भी फीचर करेंगे अभी इसका पहले एडिट करके डालेंगे। फिर एक और चीज है जो बहुत बड़ी चीज, मैं भी कह रहा हूं झारखंड जिसके लिए वो भी बाकी है, वो भी डालना है। उन लोग जब परमिशन देंगे मैं आपको आगे बताते रहूंगा, ये नंतर अंतर कर रहे हैं, नंतर मंतर पढ़ रहे तब से, कब आगे चलते और देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने खुद से मेरा हेयर ड्राई कर चुका हूं, मैंने अभी क्योंकि मैंने अभी हेयर स्पा कराया है तो मैं खुद से ड्राई किया और मेरा सर बहुत दुख रहा था, मैं सलून आया था। ये देख सकते हैं लुइस सलून, आप लोग अगर रणवीर या लोहल वाला साइड रहते हो तो आप लोग भी विजिट कर सकते हो। तो चलो आगे देखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग अब कंटिन्यू करेंगे BMW के साथ। तो चलो चलते हैं, मैं व्लॉग एंड करने जा रहा हूँ। मैं आपको पूरा क्लिप जो भी है सब तो दिखा ही दिया हूँ, तो प्लीज़ मेरे को ऑटोमोबाइल्स का और भी व्लॉग बनाना है। तो जैसे कि आपको कोई व्लॉग पसंद आ रहा है या कोई मतलब कोई न्यू कार आ रही है या बाइक आ रही है तो आप लोग मेरे को सजेस्ट करोगे मैं किस पे बनाऊँ, मतलब कोई चीज़ आ रही है तो आप लोग मेरे को सजेस्ट कर सकते हो, बिकॉज मैं ऑटोमोबाइल्स पे मेरे को और भी व्लॉग बनाना है, बिकॉज मेरे को इंटरेस्ट उसी में ही है, ऑटोमोबाइल्स में ही है। तो अभी जैगवार थी तो जैगवार में बनाया, इंशाल्लाह भी BMW में बनाएंगे। फिर मेरे को थार पसंद है, थार में भी बनाएंगे। तो चलो चलते हैं और देखते हैं। तो चलो बाय गाइस, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ऐसी प्यार देते रहो। तो चलो चलते हैं, बाय।